वेलकम टू मैथ क्लास जनरल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एवेल्युएट हमने करना है एयोटा की पावर 35 है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम जब एयोटा की पावर जो है ओड होती है हमारे पास, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो 35 है यहाँ पर 34 और इस तरह से एयोटा लिख दो, ठीक है। अगर यहाँ पर एयोटा की पावर 33 होती तो क्या करना था, वो भी ओड ही है तो फिर होना था 32 और यहाँ पर एयोटा। इस तरह से कर देना है कि अगर पावर ओड है तो आपने एक इवन और एक इस तरह से एयोटा साथ में लिख देना है। इससे पीछे जाना है, एयोटा की 35 से पीछे जाओगे तो एयोटा की पावर 34। इस तरह से कर दिया, गुड। उसके बाद सिंपल है, क्या काम करना है हमने, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। ये डॉट मैंने लगाया, वो एज ए प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, डॉट लगा लो, एक ही बात है। 34 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 आ गई। अब 2 कितने टाइम 34 होता है, 17 टाइम। हमेशा यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है। और फिर देखो 2 कितने टाइम 34 होता है, 17 टाइम, यहाँ पर 17 लिख दो। जैसे यहाँ पर अगर 30 हो तो क्या करोगे, 2 ही यहाँ पर लेना है। क्यों यहाँ पर 2 लेना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए। तो यहाँ पर 2 ले लेना है, फिर 2 कितने टाइम 30 की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 15 आ जाना है। 2 कितने टाइम 30 होता है, 15 टाइम, फिर वो 15 आ जाना है, आयोटा ये वाला एजेट आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, पावर 17 की 17 आ जाएगी, ये डॉट आयोटा का डॉट आयोटा आ जाएगा। अब क्या हो जाना है कि जब बेस में माइनस साइन होता है, पावर ओड होती है हमारे पास, तो आंसर में भी माइनस आता है। और जब बेस में हमारे पास माइनस साइन होता है, पावर इवन होती है, तो आंसर में माइनस नहीं आता, ओके। अगर यहाँ पर -1 हो, पावर 16 हो, तो क्या होगा, पावर इवन हो गई तो आंसर में माइनस नहीं आना, यहाँ पर माइनस नहीं आना। तो बस ये रूल आपने याद रखना है तो आपका सॉल्व होता जाएगा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा माइनस आयोटा आ जाना है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि जब पावर इवन हो तो कैसे करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर ये वाला काम नहीं करते, फिर ये काम करते हैं कि डायरेक्टली 2 यहाँ पर लेकर 2 कितने टाइम 34 है और आगे इस तरह से सॉल्व कर लेना। समझ आ गया कि जब पावर आयोटा की ओड है तो आपने ये काम करना है इस तरह से कि एक पावर इवन, मतलब इससे पीछे जाओ तो आयोटा की पावर 34 और एक आयोटा, और पावर अगर आपके पास इवन है आयोटा की स्टार्ट में क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर देना। होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। और वीडियोस देखनी है इसी टॉपिक पर, आप चेक कर सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आयोटा के नेम से प्लेलिस्ट होगी, कम्प्लेक्स नंबर आयोटा के नेम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।